नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दलित शब्द के बारे में, दलित जाति के बारे में कि दलित जाति का मतलब क्या होता है, दलित जाति के लोग कौन होते हैं और उन्हें दलित क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी कैटेगरी के लोगों को ही दलित कहते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि दलित वर्ग क्या है और दलित का मतलब क्या होता है। दलित वर्ग समाज का वर्ग वह वर्ग है जो सबसे नीचा माना गया हो या दुखी और दरिद्र हो, जिसे उच्च वर्ग के लोग उठने नहीं देते हैं। जैसे भारत की अछूत माने जाने वाली जातियों का वर्ग इन्हें दलित जाति कहा जाता है। दलित वर्ग का अर्थ प्रायः निजी जातियों के अछूत वर्ग से लगाया जाता है। इस प्रकार दलित वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, भूतपूर्व अपराध कर्मी जातियां, पिछड़ी जातियां, अत्यधिक पिछड़ी जातियां। ये सभी जातियां उच्च वर्ग के लोग दलित जाति में, दलित समुदाय में पेश करते हैं। तो बात करते हैं दलित शब्द का अर्थ क्या है। दलित का शाब्दिक अर्थ है कुचला हुआ, अतः दलित वर्ग का सामाजिक संदर्भों में अर्थ होगा वह जाति समुदाय जिसका अन्यायपूर्व सवर्ण उच्च जातियों द्वारा दमन किया गया हो, रौंदा गया हो। दलित शब्द व्यापक रूप से पीड़ित के अर्थ में आता है, पर दलित वर्ग का प्रयोग हिंदू समाज व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत रूप से शुद्ध माने जाने वाले वर्णों के लिए रूढ़ हो गया है। दलित वर्ग में वे सभी जातियां सम्मिलित हैं जो जातिगत सोपान क्रम में निम्नतर स्तर पर हैं और जिन्हें सदियों से दबाया रखा गया हो। मानक अंग्रेजी शब्द कोश में दलित शब्द के डिप्रेस्ड शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ दबाना, नीचा करना, झुकाना, विनत करना, नीचे लाना, स्वर नीचे करना, धीमे करना, मलामत करना, दिल ताड़ना आदि है।